नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल मन्नत गार्डन एंड लाइफस्टाइल में। और आज आप सोच ही रहे होंगे कि मैं आज आपको कहाँ लेकर आ गई। ये मेरा बेडरूम है, जहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि मन्नत जी ऑनलाइन रीडिंग कर रहे हैं। और मंडे टू फ्राइडे मन्नत जी यहाँ पर ऑनलाइन इनकी क्लासेस चल रही होती हैं, और ये मॉर्निंग से लेकर आफ्टरनून तक इनकी क्लासेस ही चलती हैं। और इसी रूम में बैठ कर मैं और मन्नत जी अपनी रीडिंग कर रहे होते हैं, और मैं अपने गृह कार्यों से फ्री होकर यहाँ पर कुछ छोटा मोटा कुछ काम देख लेती हूँ। और बस यही हमारी दिनचर्या है। आज आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको यहाँ कहाँ लेकर आ गई। बेसिकली मेरे इस रूम के बाहर एक छोटी सी गैलरी है, जहाँ पर मैंने तुलसी जी का पौधा रखा हुआ है। और मेरे बहुत सारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मुझसे कमेंट पर पूछ रहे होते हैं कि आप तुलसी जी पर कुछ वीडियोस वगैरह बनाएं। हालांकि ये मेरी एक छोटी सी गैलरी है, यहाँ पर मैंने ये देखी, यहाँ पर मैंने तुलसी जी का पौधा है, जो मैंने और पौधों से थोड़ा सा अलग जाकर रखा हुआ है। और बेसिकली ये एक गैलरी है, छोटी सी गैलरी है। ज़्यादा मैंने यहाँ पर प्लांट्स वगैरह नहीं रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर निकलने की ऑलमोस्ट जगह नहीं रहती है। और तुलसी जी का पौधा मैंने थोड़ा सा अलग रखा हुआ है, ताकि मुझे पूजा वगैरह करने में या जल वगैरह इनको अर्पण करने में आसानी हो। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, मेरा तुलसी जी का जो पौधा है, यहाँ ये वाली जो तुलसी है फ्रेंड्स, ये रामा तुलसी है। और तुलसी वैसे बड़े प्रकार की होती है, और ये रामा तुलसी है, जिसमें आप ये देख सकते हैं ये ग्रीन लीव्स हैं, बड़े बड़े हैं। और एक श्यामा तुलसी होती है, जो छोटे छोटे लीव्स होते हैं और पर्पल कलर की होती है देखने में, वो भी बड़ी खूबसूरत होती है। उसका एरोमा थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, और बट ये थोड़ी सी यूज़ करने पर आपको इसका एरोमा थोड़ा सा लाइट लगेगा। और ये यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, छोटे छोटे से इसके प्लांट्स आए हुए हैं। बेसिकली मेरा जो तुलसी जी का जो पौधा था, बहुत ही हरा भरा था, लेकिन इस विंटर वो जो पौधा था बिल्कुल ही ख़राब हो गया हुआ था। और लकली मैंने जो उनके जो फ्लावर्स आए हुए थे, जो मंजरी जिसको हम बोलते हैं, वो मैंने सारी जो थी निकाल कर इनके गमलों के ऊपर उनकी बिखेर दी थी। और जो मदर प्लांट था, जो तुलसी जी का जो एक्चुअल जो मैं पौधा था, वो तो बिल्कुल ही ख़राब हो गया हुआ था। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारा जो तुलसी जी का पौधा है, इसके साथ बहुत सारी हमारी धार्मिक आस्थाएं जुड़ी होती हैं, और ये बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है। हर हिंदू घर में ये पौधा जो है वो बिल्कुल आपको मिल जाएगा। और मेरे भी इस पौधे के साथ बहुत सारी आस्थाएँ जुड़ी होती हैं, और जब भी हमारी तुलसी जी मुझसे नाराज़ होती हैं, तो मुझे बड़ा दुख लगता है। जब इसका पौधा जब बिल्कुल ख़राब हो गया था, तो मुझे बहुत फील हुआ था। और लेकिन लकली इसके छोटे छोटे, ये देख रहे हैं, छोटे छोटे से पौधे अभी भी आ रहे हैं। और मैंने फिर जो मदर प्लांट था इसका, वो सारा निकाल कर मैंने अलग कर दिया, और यहाँ पर उनकी जगह ये जो छोटे छोटे ये जो प्लांट्स थे, ये अब बिल्कुल अच्छे से ग्रो हो गए हुए हैं। और तब जाके मेरे दिल को थोड़ी सी शांति मिली कि हाँ चलो, हमारे घर में तुलसी जी का पौधा है, एक अगर ख़राब हो गया, लेकिन उसकी जगह दूसरे जो प्लांट्स थे वो अच्छे से ग्रो हो गए। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि तुलसी जी का पौधा हर हिंदू घर में होता ही है, और इनकी अपनी धार्मिक आस्थाएं भी जुड़ी होती हैं, और ये बड़ी इसके हेल्थ बेनिफिशियल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, ये एक मेडिसिनल प्लांट के रूप में भी हमारे सामने आता है। अगर हम घर में बीमार हो जाते हैं, नज़ला जुकाम या कोई भी छोटी मोटी अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम तुलसी जी का काढ़ा या चाय बना के पीते हैं, या उसको खाने में भी अगर यूज़ करते हैं, तो ये हमारे हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। और लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत सारी बातें जो हैं तुलसी जी के साथ जुड़ी होती हैं। जैसे कि मैं ये बता दूं कि ये मेरे जो तुलसी जी का पौधा है, ये मैंने बिल्कुल अलग जाके रखा हुआ है। और प्लांट्स के साथ इसकी मैं केयर जो उस तरह से नहीं करती, जिस तरह से मैं बाकी प्लांट्स की केयर करती हूँ। बिकॉज आपको पता है, तुलसी जी के पौधे के साथ बहुत सारी बातें जुड़ी होती हैं, कि जिस तरह से हम कहते हैं कि इनके डेज होते हैं, कि जब हम इनके लीव्स को तोड़ते नहीं हैं, इनको टच नहीं करते हैं, इनकी जो मंजरी है, बहुत सारी आस्थाएं हैं जुड़ी हुई, कि इनको सीजर से कट नहीं करते हैं, जिस तरह से हम और पौधों को ट्रीट करते हैं। तो इन्हीं सब बातों के चलते मैंने अपने इस पौधे को बिल्कुल अलग रखा हुआ था, और बिना इजाज़त के मैं पौधे को उस तरह से ट्रीट नहीं करती थी। तो लिहाजा आज मैंने अपना ये पौधा जो है आप सब फ्रेंड्स के साथ शेयर करा, और आज बातें भी मैंने बहुत सारी आप सब दोस्तों के साथ शेयर कर रही हूँ। और आज चलिए मैं तुलसी जी की एक बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है, जो मैं बेसिक जो केयर है
वो आप सब दोस्तों के साथ शेयर करूँगी। फ्रेंड्स, स्टार्ट में ही मैंने बताया कि इसकी बहुत सारी इसकी जो टाइप्स हैं, प्रकार हैं इसके पौधे की, वो आपको नर्सरीज में मिल जाएंगी और आप अपने घर में इसको ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही शुभ पौधा माना जाता है और साला सारा साल इसके ये जो है ये चलता रहता है। लेकिन ये ना इसकी जो ग्रोथ होती है वो फ्रेंड्स, वो गर्मियों में इसकी ग्रोथ जो है बड़े अच्छे से चलती है और विंटर्स में जाके इसकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है, जहाँ जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। जैसे हमारे यहाँ J&K में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो रात की ठंडक जो होती है या फिर फॉग कह लीजिए, तो वो अगर इस प्लांट पर पड़ जाती है तो ये पौधा जो है वो ख़राब हो जाता है। और फ्रेंड्स, जैसे ही बहार आती है तो ये पौधा जो है वो फिर से हरा भरा हो जाता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे बड़ी सर्दी में ये जो पौधा है वो ख़राब हो जाता है। तो जैसे ही हमारा स्प्रिंग आएगा तो ये पौधा जो है वो फिर से ठीक हो जाएगा और उस टाइम पर आप अपने पौधे की अच्छी सी देखभाल करें और उनको अच्छे से हम इसका जो गमला है जो नीट एंड क्लीन रखें, क्योंकि मोस्टली हम इनमें बहुत सारी पूजा वगैरह कर रहे होते हैं, जल भी दे रहे होते हैं, धूप बत्ती भी कर रहे होते हैं, तो थोड़ा सा साफ और स्वच्छता का ज़रूर ध्यान रखें। और अनावश्यक जो भी अगर आपको लग रहे हैं इनके ऊपर, हम कई बार फ्लावर्स भी डाल देते हैं। थोड़ी सी मिट्टी नीट एंड क्लीन रखनी बड़ी ज़रूरी होती है ताकि धूप भी लगे, हवा भी लगे इसकी मिट्टी को, और जिससे ये जो मिट्टी है वो मिट्टी में कोई भी किसी तरह का फंगस वगैरह ना लगे। क्योंकि जो मोस्टली हमारे जो तुलसी जी अगर ख़राब होती है वो 3 कारणों से ख़राब होती है। जैसे मैंने अभी एक पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि ये बहुत ज़्यादा सर्दी के कारण ख़राब होती है। दूसरी, अगर इसमें ख़राब होती है तो इन्फेस्टेशन से ख़राब होती है, यानी कि इसमें कीड़े भी लगते हैं। और समटाइम आपने देखा होगा कि बिल्कुल ही हमारा जो पौधा है वाइट वाइट कलर का, जैसे पोल्ट्री सा ऐसे कुछ इसमें कीड़े वगैरह लग गए हुए हैं, तो तब भी हमारी जो तुलसी जी है वो ख़राब हो जाती है पूरी। ऑल ओवर धीरे धीरे करते हुए ये जो पौधा है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो उस कंडीशन में भी आप इसमें, अगर आप कोई केमिकल तो हम इसमें स्प्रे नहीं कर सकते, क्योंकि हम तुलसी जी का पौधा अपने खाने में भी यूज़ करते हैं। तो लिहाजा उस कंडीशन में आप इसको हल्दी का जो पानी होता है फ्रेंड्स, वो आप इसके पत्तों को धो सकते हैं, मिट्टी में भी डाल सकते हैं, क्योंकि वो एंटी फंगल होता है, जिसे हमारे कई भी तरह के कोई भी इन्फेक्शन हो, चाहे वो सॉइल में हो चाहे पत्तों में हो, तो उससे वो दूर हो जाती है। तीसरी कंडीशन ये होती है हमारे पौधे के ख़राब होने की, कि जो हम मंजरी छोड़ देते हैं, जो फ्लावर्स आते हैं हमारे तुलसी जी के पौधे पर, वो मोस्टली, अब जैसे मुझे भी कई बार इजाज़त नहीं होती थी कि उसको कट करना है, लेकिन बेसिकली वो क्या होता है कि उसका लाइफ साइकिल जो होता है वो पूरा हो चुका होता है और पौधा सोच रहा होता है कि अब मेरा जो लाइफ साइकिल है वो ख़त्म हो चुका हुआ, तो जिसकी वजह से उसकी जो धीरे धीरे करते वो जो प्लांट है वो ख़राब हो जाता है और बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो कोशिश करिए उसके ऊपर फ्लावर्स ना बनने दें और उसको ऊपर से उसकी पिंचिंग भी करते रहें, जिससे आपका जो प्लांट है वो बुशी भी हो जाए और हरा भरा रहे। और जितना वो बुशी होगा उतना ही हेल्दी भी होगा, और जितना ये प्लांट मैच्योर होगा तो उसके ख़राब होने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम होंगे। और फ्रेंड्स, अब मैं बात करूंगी इसकी मिट्टी की। तो फ्रेंड्स, वैसे तो तुलसी जी का पौधा हर मिट्टी में ग्रो हो जाता है, लेकिन जब भी आप इसकी मिट्टी तैयार करें तो इसकी मिट्टी काफ़ी सॉफ्ट होनी चाहिए, जिसमें आप इसमें 50% अगर गार्डन सॉइल लेते हैं तो उसमें 50% ही आप इसमें सैंड मिला लीजिए, ताकि एक भुरभुरी जो मिट्टी होती है वो इसकी प्रिपेयर हो, तो उसका जो ड्रेनेज है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। और एक बात का ध्यान ज़रूर रखें कि अपने पॉट को टाइम टू टाइम उनके ड्रेनेज जो होल होते हैं वो ज़रूर चेक करें कि वो बिल्कुल बंद तो नहीं हो गए हैं, नहीं तो हमारा पानी अगर जितनी देर गमलों में रुका रहेगा तो ये जो पौधा है वो ख़राब हो जाएगा और धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए ड्रेनेज का बिल्कुल ध्यान रखें। और इसके साथ साथ मैं लोकेशन की बात करूँगी फ्रेंड्स, तो तुलसी जी का पौधे को 2 से 3 घंटे की जो धूप होती है फ्रेंड्स, वो इस प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन अब आप देख ही रहे हैं हमारा जून स्टार्ट हो चुका, तो उस कंडीशन में हमारे जो आफ्टरनून की जो धूप है फ्रेंड्स, वो इस पौधे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, और थोड़ी सी इसको बड़ी हार्ड धूप से इसको बचाया जाए। और सुबह की मॉर्निंग की जो धूप होती है उसमें आपका जो पौधा है बड़ा खिला खिला और हरा भरा रहेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा।
और फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की। फ्रेंड्स मैं मोस्टली अब तुलसी जी का पौधा है, केमिकल फर्टिलाइज़र हम इस पे यूज़ नहीं करते हैं और सिवाय गोबर खाद के। और कुछ भी आप इस पौधे को और भी कोई भी खाद जो है वो इस पौधे पे मत ही डालिए। जो ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र होते हैं उन्हीं वही आप प्रयोग करें। और मैं भी बड़ा ध्यान रखें इस पर फर्टिलाइज़र का प्रयोग करती हूँ, किसी भी तरह का कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र मैं नहीं यूज़ करती हूँ और ना ही मुझे कोई और खाद सिवाय गोबर खाद के कोई और खाद यूज़ करने दी जाती है, खासकर इस तुलसी जी के पौधे पर। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, जो भी आप खाद वगैरह जो भी आप यूज़ करें बड़े अच्छी सी साफ़ सुथरी सी, और वो सोलराइज होनी चाहिए, बिल्कुल धूप लगी होनी चाहिए। तो आप इस पौधे पर थोड़ी सी महीने में गुड़ाई करके आप इसमें शाम के वक्त आप इसमें थोड़ी सी इसमें गोबर खाद, एक मुट्ठी गोबर खाद आप ज़रूर मिला दीजिए, और जिसमें इसकी जो ग्रोथ है वो अच्छे से चलती रहेगी। और दोस्तों ये पौधा जो है वो बड़ा इजी टू ग्रो प्लांट है, आप चाहें तो इसको सीड से बड़ी इजीली ग्रो कर सकते हैं और कभी भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं, और चाहें तो इसकी कटिंग भी ग्रो कर सकते हैं। अगर कटिंग भी नहीं ग्रो कर सकते तो नर्सरी से आप इसको मन चाहे बने बनाए जो पौधा है वो ला सकते हैं और अपने गार्डन में और अपने घर आंगन में इसको ऐड कर सकते हैं। और बहुत ही ये खूबसूरत पौधा है और इसके साथ आस्थाएं भी मैंने बताया बहुत सारी जुड़ी हुई हैं, और ये हर घर में हिंदू घर में होता है और बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आशा करती हूँ तुलसी जी के पौधे से रिलेटेड जो भी जानकारी जो मेरे नज़र में थी वो मैंने आप सब दोस्तों के साथ शेयर करी, और आशा करती हूँ आज की ये छोटा सा ब्लॉग जो है वो मेरा आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको ये पसंद आया तो आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो देखने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।